Yes. So yesterday we started this sectors of the economy in terms of ownership. Means who is the person or entity who has made the investment in the means of production. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, दोज टूल्स, दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच प्रोडक्शन इज डन या प्रोडक्शन इज मेड या थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, तो अब वो दैट कैन बी मशीनरी, दैट कैन बी लैंड, दैट कैन बी बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी थिंग, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्टली समवन हैज़ टू इन्वेस्ट, समवन हैज़ टू स्पेंड मनी, ओनली देन प्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड. तो यहाँ पर यही है कि हु इज द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी. तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, सारे सामान में, तो देन इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. और अगर करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग उसमें करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स स्पेंड करते हैं सारा, तो देन इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर, या सिंपली प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं उसको. उसमें देयर कैन बी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी देयर. और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. जैसे पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, और अपना जो प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है उसमें आप कोई भी प्राइवेट जो फेमस, जैसे टाटाज हैं, टाटा कंपनी है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई भी, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के ही अंदर आते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमने किया था, ये स्टार्ट करना था हमने ये वाला पैरा, कि देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाई सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट. प्लीज अंडरलाइन दिस. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी हुई है, वट इज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू एंटर एंड टू प्रोड्यूस. क्यों गवर्नमेंट ये सारे काम करती है, वाई डज दिस गवर्नमेंट नॉट लीव ऑल दीज थिंग्स टू द पीपल, क्यों नहीं उनके लिए छोड़ देते. तो इट्स रीजन हैज बीन गिवन कि भाई इफ दीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ दे आर गिवन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो वट विल दे डू, दे विल चार्ज अ वेरी हाई प्राइस फॉर देयर सर्विसेज. जैसे इफ यू रिमेंबर इन 8th क्लास वी हैव रेड अबाउट वाटर, वाटर बिल्स. तो इफ द होल ऑफ दिस वर्क ऑफ वाटर सप्लाई इज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर पीपल, तो क्या करेंगे, दे विल चार्ज वेरी हाई प्राइस. तो अब वाटर क्या है, दैट इज अ बेसिक नीड रिक्वायर्ड बाई ऑल द पीपल, सबकी जरूरत का है. तो अगर वो जो वाटर है हमें इतना ज़्यादा हैवी बिल देना पड़ेगा उसका, तो क्या होगा, वट विल हैपन, दोज हु आर वेरी पुअर दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड. इसका मतलब उनके पास मनी नहीं है, वो पानी को खरीद नहीं सकते, तो इसका मतलब वो मर जाएंगे, उनको राइट नहीं है जीने का कि पानी पी ले वो, है ना. तो राइट टू लाइफ के अंदर वाटर आ जाता है. तो इस करके सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया हुआ. कुछ एक टैंकर्स वाले होते हैं, ठीक है, वो बिल चार्ज करते हैं, बट ओवरऑल जो वर्क है वो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. ऐसे ही आप इमेजिन करो, अगर जो ये हाईवेज हैं या फ्लाईओवर्स हैं, अगर ये सारा काम इसको करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दी जाए टू प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या करेंगे, फिर तो वो दे विल चार्ज ए वेरी हाई प्राइस कि आप रोड के ऊपर मूव नहीं कर सकते. फिर तो एक तरह से, क्योंकि जो पर्सन पैसे खर्च करेगा वो उसकी एक तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, फिर वो सबका राइट नहीं बनता. तो फिर इसका मतलब हम हाईवे के ऊपर आम लोग जा ही नहीं सकते. अगले कहेंगे कि प्राइस पे करो, तो सबके पास पैसे नहीं होते हैं, पुअर लोगों के पास पैसे नहीं है, या इवन मिडिल क्लास के भी रोज़ आना जाना होता है, तो दे कैन नॉट मेक पेमेंट डेली, इतनी हाई पेमेंट नहीं दे सकते. ऐसे ही अगर सारे स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में हों, तो देर आर मैनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री, पुअर पीपल्स चिल्ड्रन, वो नहीं अफोर्ड कर सकते फीस को. अगर सारे ही हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में हों, तो मैनी पीपल आर देयर हु आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड इवन टू हैव मेडिसिन और मेडिकेशन, कोई ऑपरेट करवाना है या सर्जरी करवानी है, तो वो नहीं कर सकेंगे. इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को इसीलिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो बहुत उसकी हाई प्राइस चार्ज करते हैं. तो ऐसा फिर सब लोगों के लिए उस प्राइस को देना पॉसिबल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट पेज के ऊपर ये मैंने जो एग्जांपल्स बताए, जैसे वही है यहाँ दिए हुए, यू कैन सी इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, ये पूरा पढ़ना मीनिंग मैंने बता दिया, इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर यूज. हाई रेट का मतलब बहुत हाई प्राइस चार्ज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हार्बर होता है जहाँ शिप वगैरह खड़े किए जाते हैं ना सामान की लोडिंग अपलोडिंग के टाइम पे, वो तो. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग, इरीगेशन थ्रू डैम्स, ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेट हाथों में होंगी तो इसका वो बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस चार्ज करेंगे, बहुत कीमत लेंगे, तो सब लोग फिर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई अब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरटेक, हैव टू अंडरटेक का मतलब कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सब लोगों का ध्यान रखना है.
ये नहीं कि कंट्री में ओनली रिच पीपल दे आर टू बी टेकन केयर ऑफ, तो बाकी जो मिडिल क्लास होते हैं या पुअर लोग होते हैं तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है. अगर जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वो सेक्टर कहलाता है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर. फिर ये वाले पैरा में है, देर आर सब एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. ठीक है, अंडरलाइन करो. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को पूरा अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट सारा तो नहीं खर्च करती बट अदरवाइज थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है. ठीक है, जैसे आप देखते हो ना वेरी यंग चिल्ड्रन स्पेशली नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं तो अपने आप वो लिख नहीं पाते, तो क्या करते हैं टीचर या मदर्स क्या करते हैं नॉर्मली उनका हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाते हैं, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप करना शुरू कर देते हैं. तो सेम थिंग इज देयर कि कई बार गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ा बाहर से सहारा देना पड़ता है तो भी काम चल जाता है. ठीक है, फिर इसमें यही बताया जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कि एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल में हैव टू शट डाउन. अच्छा, अब इसका मतलब है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत खर्च होता है, तो अगर उतना जितना खर्च हुआ है उतना ही लोगों से चार्ज कर लिया जाए, उतने ही बिजली के बिल ले लिए जाए, तो फिर बड़ा महंगा हो जाता है. आम लोग उसको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं स्पेशली स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर काम करने वाले, वो इतना क्योंकि मशीनें हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, तो इतना हैवी बिल आएगा तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पास से तो ज़्यादा ही खर्च करती है बट थोड़े से कंसेशन दे देती है, उनको थोड़ी रियायत दे देती है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देती है कि कोई बात नहीं आप इतने यूनिट यूज़ करोगे तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कंसेशन दे देते हैं. तो इस तरीके से गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प कर सकती है. ठीक है, और गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन टू प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग एट विच इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट. मतलब अगर जैसे हम ऐसे समझे, मान लो गवर्नमेंट के अपने पास से खर्च हुए हैं 100 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जो डैम्स होते हैं इतना खर्चा होता है, मशीनरी होती है, सब कुछ होता है, तो मान लो 100 रुपीज़ खर्च हुए. अब अगर 100 पे ही लोगों को देंगे तो मान लीजिए कि आम लोगों के लिए 100 रुपये देना बिजली का बिल बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. ठीक, जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इवन जो हाउस होल्डर जैसे हम लोग हैं, तो मान लो हम लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, हमें महंगा लगता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, 100 कहती है कि ठीक है आप 100 नहीं दो, आप 80 रुपीज़ दे दो, बाकी के जो 20 रुपीज़ खर्च हुए हैं वो हम अपनी पॉकेट से दे देंगे. मतलब गवर्नमेंट उसका 20 रुपीज़ का बोझ उठाएगी और आम लोगों से या स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए जाएंगे ओनली 80 रुपीज़. तो जब गवर्नमेंट इस तरह से करती है तो इसको आपने आम ही बोलचाल में घरों पे सुना होगा न्यूज़ में वर्ड सब्सिडी देना. सब्सिडी होता है रियायत देना, ठीक है, थोड़ी कंसेशन देना, तो वो खर्चा फिर गवर्नमेंट उठाती है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सहारा देने की कोशिश कर रही है ताकि लोग काम कर सकें. ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे है, ये फार्मर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट वीट और राइस खरीदती है फेयर प्राइस के ऊपर और लोअर प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स को देती है. दिस यू हैव रेड इन योर 9th क्लास ऑल्सो, PDS सिस्टम पढ़ा है ना. तो गवर्नमेंट तो आप तो फार्मर से ज़्यादा प्राइस पे खरीदती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फार्मर से, जो भी जिस भी प्राइस पे खरीदा है उस प्राइस पे खरीदने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है, जो वेरी पुअर लोग होते हैं जो BPL फैमिलीज में आ जाते हैं, उनको और भी सस्ते प्राइस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ राशन कार्ड्स एंड राशन डिपोज वो उनको खाने पीने का जो सामान है वेट राइस वगैरह वो उनको प्रोवाइड करते हैं. तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फिर क्या फ़ायदा, आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्चा करे और पुअर लोगों की मदद इस तरह से करे. तो गवर्नमेंट को पड़ी ये होती है कि आजकल के टाइम में जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती हैं. उनका पर्पज़ कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, देयर पर्पज़ इज़ टू हेल्प द पीपल, टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल, लोगों को ऊपर उठाना, लोगों का भला करना, जो नीडी हैं स्पेशली पुअर हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, तो उनकी मदद करना ही गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ होता है. तो आप अभी देखते हो अपने कंट्री में भी, इन इंडिया ऑल्सो आप न्यूज़ में कितनी बार आता है गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट कर दी, ये जनधन योजना शुरू कर दी, या वो उज्ज्वला स्कीम गैस के सिलेंडर देने पुअर लोगों को शुरू कर दिए, पुअर फैमिलीज के लेडीज़ को, या पढ़ाई में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे कंसेशन देते हैं, या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कोई स्कीम चलती ही रहती है. तो वह ये सारा कुछ क्यों करती है, ताकि गवर्नमेंट लोगों की हेल्प कर सके, उनको मदद कर सके. जो तो रिच है वो तो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन अफोर्ड और वो पे करते हैं, बट जो ज़रूरत वाले लोग हैं उनकी मदद हो सके. ओके,
तो ये सारा कुछ इस पैरा में भी यही बताया हुआ है कि ऐसे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी जितने गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, ये आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वाला, तो ये सारे जो ये एग्जाम्पल्स हैं दे आर जस्ट द वे कि आम लोगों की आम में भी जो बड़े लो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर आ जाते हैं, इनकम लेवल जिनका बहुत कम है, स्पेशली उन लोगों की मदद के लिए ये सारा कुछ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद फिर लास्ट पैरा में ये बताया हुआ है कि नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स। ये बस एग्जाम्पल बताया कि मतलब पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, वाटर का एग्जाम्पल दिया, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देने का, फिर हेल्थ का, फिर एजुकेशन का, तो यहाँ भी थोड़ा सा एग्जाम्पल हेल्थ वाला ही है कि कई स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। क्या होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? फर्स्ट आपके चैप्टर में यू हैव रेड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 चिल्ड्रन हु आर बॉर्न। ठीक है, 1000 जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनके पीछे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ वन ईयर। तो वो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ क्वाइट हाई इन मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को भी स्पेशल अटेंशन पे करती है, और दूसरा क्या है, ऐसी अटेंशन पे करने का मतलब इन स्टेट्स को थोड़ी ज़्यादा मदद करती है इस फील्ड में। मतलब जो स्टेट जिस काम में थोड़ा पीछे है, हेल्प चाहिए, उस स्टेट को गवर्नमेंट उस फील्ड में थोड़ी एक्स्ट्रा मदद कर देती है, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट कर दिया जाता है उनके लिए, या ज़्यादा दवाइयों का अरेंजमेंट करते हैं जो भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट हो, वो सारा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सो लास्ट में यही सारा बताया हुआ है कि गवर्नमेंट लास्ट में देखो ये लाइन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि क्या करे, वो क्या करे, टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, कि जो सबसे पुअर लोग हैं, पुअर में से, पुअरेस्ट का मतलब थर्ड डिग्री आ गई ना, तो सुपरलेटिव डिग्री आप करते हो, पुअर, पुअर और पुअरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा पुअर है, एक तो उन लोगों की मदद, और दूसरा कंट्री में जो मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स हैं। मतलब आप देखते हो होल ऑफ द कंट्री ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिवेलप्ड, कुछ स्टेट्स में तो बहुत डिवेलपमेंट है और कुछ स्टेट्स आर क्वाइट बैकवर्ड। जैसे हम कंपेरिजन करना हो पंजाब और उड़ीसा का, तो पंजाब उसके मुकाबले कहीं आगे स्टेट है, उड़ीसा पीछे है, या हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी पीछे हैं, डेवलपमेंट कम है, चाहे उनका एरिया ही उस टाइप का, जो भी कारण कुछ भी है, बट वो लेस डेवलप्ड एरिया है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो इग्नोर्ड रीजन्स हैं, मतलब अभी तक जहाँ डिवेलपमेंट नहीं पहुँची है, उन जगह का भी डिवेलपमेंट करें, और जो बहुत पुअर लोग हैं उनकी भी हेल्प करें। ठीक है, ये सारा कुछ इसका है। मतलब ये सारे पेज पे ये पहले दे हैव टोल्ड अस अबाउट द टू सेक्टर्स, कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट होता है, उसी को कह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, और सेकंड सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आम प्राइवेट सेक्टर के लोगों का मनी इन्वेस्ट होता है कामों में, वो कहलाता है प्राइवेट सेक्टर। फिर ये पूरे पेज पे बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये सारा उसका रोल कह सकते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, ये सारा कुछ है। समिंग अप में जो सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समरी होता है ब्रीफ में कि शॉर्ट में इस लेसन में क्या बताया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के बारे में, देन दे हैव टोल्ड अबाउट दिस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जो जो भी इनके रोल्स हैं या इनकी प्रॉब्लम्स हैं या इनके फीचर्स हैं, दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। मतलब दैट इज़ वाई नेम ऑफ द लेसन इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स आर फाउंड इन अवर कंट्री, मिलते हैं हमारे यहाँ, हमें दिखते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट अस कम टू, अभी मैंने ना एक्सरसाइज पेज का नई पिक ली हुई है, वो आप अपनी अपनी बुक से देख लीजिए, मैं इधर से बोल देती हूँ, जल्दी जल्दी से करते हैं, लेट मी चेक द टाइम। यस, थोड़ा टाइम है, वी कैन बी एबल टू फिनिश द क्वेश्चन आंसर्स। तो टुडे मैं आपको जो नोट्स वाला PDF है, आई विल सेंड दैट PDF। ठीक है, शॉर्ट से हिंट्स लिए हुए हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा डेवलप करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये लेसन, मैंने जैसे ऑन द फर्स्ट डे आई टोल्ड कि अब नवंबर दिसंबर में आपके अगर टर्म वन के पेपर होते हैं बोर्ड की ओर से, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये जो सेक्टर्स वाला चैप्टर है ये टर्म वन में आएगा या टर्म टू में आएगा, वी डोंट नो, क्योंकि अभी तक बोर्ड की ओर से कोई सिलेबस नहीं आया है चेंज किया हुआ। ठीक है, तो फिर उस कीपिंग इन व्यू फिर हम क्या करेंगे, एक सेफ साइड निकाल लेते हैं,
आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, वेरी शॉर्ट डिटेल्स आर टू बी गिवन, वेरी ब्रीफ, ठीक है. बट इन केस अगर ये सेकेंड टर्म में आ गया तो इतना लिखना है कि भी आप उसको डिवेलप कर सको. अब आपको मैंने सारा समझाया डिटेल में, तो एक्सप्लेनेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको एक्सपेंड कर सको, इसी हिसाब से आपने अपना अंडरस्टैंड करना है, उसको करना है, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. बेटे पेंसिल्स रखिए अपने पास में और यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट, आप आंसर करिएगा साथ साथ में. फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन. टू ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन, आपने करेक्ट वन को चूज करना है. फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन. हैज नॉट. हाँ, थोड़ा सा बेटे लाउड बोलना है. यहाँ पता क्या, रूम खाली है, फैन चलते हैं ना, तो आवाज़ सुनती नहीं है ढंग से. हैज नॉट, वेरी राइट. सेकेंड, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. टर्शरी. हाँ जी, टर्शरी आएगा. ओके, टर्शरी सेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? यहाँ नहीं लिखा, वैसे पूछ रही हूँ. सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइज्ड. वेरी राइट, ऑर्गेनाइज्ड. नेक्स्ट, ए डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. लार्ज. यस, लार्ज. लार्ज जो ठीक वाला आंसर है ना, उसको सर्कल कर लो या टिक लगा लो, जैसा भी आप करते हो. उसके बाद फिफ्थ, कॉटन इज ए डैश प्रोडक्ट and cloth is a dash product. Natural manufactured. Very good. Cotton is a natural product और cloth है manufactured. मतलब cloth को बनाना पड़ता है, cotton तो अपने आप कुदरती है, natural होती है. Okay, next. Activities in primary, secondary, tertiary sector are dash. Interdependent. ठीक है, सब एक दूसरे पे depend करते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकंड, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. क्वेश्चन है ए पार्ट, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज. वेरी राइट, थर्ड ऑप्शन राइट है, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. टिक कर लीजिए, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. बी क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर. नेचुरल आ गया ना, नेचुरल प्रोसेस, नेचर का रोल ज्यादा हो तो प्राइमरी सेक्टर आएगा. प्राइमरी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट सी, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. वेरी राइट, सेकंड ऑप्शन राइट है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, अब मेरे पास बेटे पुरानी बुक है, अब मुझे पता नहीं कि आप न्यू एडिशन की बुक में ये क्वेश्चन चेंज हुआ होगा, तो इसको आई रिक्वेस्ट यू टू डू योरसेल्फ. मैं पुराने वाला पढ़ रही हूँ यहाँ से. इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन, मेरी बुक में 2003 दिया हुआ है, इज उसके बाद ऑप्शन हैं. ठीक है, तो बट आई फील कि जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं उसमें 2003 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो आप उसके हिसाब से प्लीज आंसर. 11 2011 है मैम. 2011 है, और फिर क्या आंसर बनता है, क्योंकि मेरे पास वो डाटा भी नहीं है. 50 to 60% थर्ड पॉइंट. ओके, मेरे पास है नहीं बेटा, तो मैं श्योरली नहीं कह सकती, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड इसको ध्यान से आप चेक कर लेना, 2011 के अकॉर्डिंग बिटवीन 50 to 60, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू चेक दिस. मेरे पास है नहीं तो मैं कह नहीं सकती कि आप ठीक बता रहे हो कि गलत बता रहे हो. ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. चलो आप पहले मैचिंग कर लो, फिर मुझे बताना. जल्दी से पढ़ के एक बार कर लो. अनइरिगेटेड लैंड. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल बाय गवर्नमेंट. यस, इसका आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल गवर्नमेंट. हाँ, डी मैं बोल देती हूँ. अनइरिगेटेड लैंड को मैच करना है विद कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट. सेकंड, लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स. बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट. विद लो इंटरेस्ट. नहीं, इसमें आएगा प्राइसेस फॉर क्रॉप्स का सी के साथ आएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट.
procurement of food grains match कर लीजिए, procurement of food grains by the government. उसके बाद third, debt burden. लास्ट वाला आएगा इसमें, banks to provide credit with low interest. Debt burden, last option के साथ match करना है इसको, banks to provide credit with low interest. Next, fourth, no job in the off season. Off season मतलब operative. ये अपना गाने का operative. कौन सा बच्चा है इधर? कौन से बच्चे की आवाज आ रही है? सुखमन. मन सुखमन. मोटिका. ये मोटिका का टिका. सुखमन. किसी को चित्र पढ़ रहे हैं. Some students ना they are not at all serious, मतलब उनको इतना भी नहीं याद रहता कि म्यूट करके रखें कि घर पे तो चलो बातें होती हैं, but that does not mean कि whole of the children should get disturbed. चलो question number fifth point, compelled to sell their grains to the local traders soon after the harvest. Cooperating marketing societies. Cooperative marketing societies, ठीक है, fifth को मिलाना है with cooperative marketing societies. फोर्थ वाला मैं फिर से बोल देती हूँ, नो जॉब इन द ऑफ सीजन. नो जॉब में आ जाएगा कौन सा था हमारा ये फोर्थ वाला, सेटिंग अप ऑफ एग्रो बेस्ड मिल्स. ठीक है चलो, अब है क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द ऑड वन आउट एंड टेल व्हाई. जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, ऑड है, उसको निकालना है आपने, मतलब उसको सर्कल कर लीजिएगा या अंडरलाइन करिए. हाँ जी, फर्स्ट में बताइए क्या आएगा. टूरिस्ट गाइड. टूरिस्ट गाइड मैम. पॉट. देखो चार चीजें दी हुई हैं, चार लोगों के नाम हैं, टूरिस्ट गाइड, दूसरा टेलर, देन पॉटर. तो जो पिछले तीन है वो नॉर्मली वो प्राइमरी सेक्टर के आ जाते हैं, और जो टूरिस्ट गाइड है वो सर्विस सेक्टर में आता है. तो ऑड वन का मतलब जो दूसरों से डिफरेंट है, तो टूरिस्ट गाइड ऑड है, इसको सर्कल करिए क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में आता है और रेस्ट ऑफ द थ्री वो प्राइमरी सेक्टर का काम करने वाले लोग हैं. सेकेंड, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर. बट इसके काम की नेचर मतलब एक हाई स्किल्ड काम है बाकी के तीनों, और ये लो स्किल वाला काम है. तो वेजिटेबल वेंडर एक अलग है, मतलब ये पढ़ा लिखा वाला काम नहीं है. नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क. एक मिनट में बोल दो पहले सारे. पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कॉन्स्टेबल. कॉबलर. Yes, cobbler. क्योंकि बाकियों का एक सर्विस वाला काम है, मतलब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो कॉबलर का वो उस तरीके वाला काम नहीं है. कॉबलर. नेक्स्ट, MTNL, इंडियन रेलवेज. ये सारे गवर्नमेंट की वो है एंटरप्राइजेस के नाम है. MTNL भी गवर्नमेंट की है, इंडियन रेलवेज भी गवर्नमेंट की है, एयर इंडिया भी गवर्नमेंट का है, ऑल इंडिया रेडियो भी गवर्नमेंट का है, एक है सहारा एयरलाइंस, ये प्राइवेट सेक्टर की है. इसको आप सर्कल. जेट एयरवेज है मैम. जेट एयरवेज लिखा है न्यू बुक में. मेरी बुक में तो बेटे एम प्राइवेट. हां जी, जेट एयरवेज लिखा है. ये आना बेटे, मेरी बुक में ये दिया हुआ है सहारा एयरलाइंस, आपकी बुक में जेट दिया हुआ है. यस यस मैम. जेट को कर लो, जेट भी प्राइवेट का ही है, मतलब ये बाकी के पब्लिक सेक्टर के हैं, एक एग्जांपल प्राइवेट का. जेट लिखा तो जेट कर लो, एक्चुअली मेरी की पुरानी बुक है ना, तो पुराना एग्जांपल लिखा हुआ. ओके, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, ये अपने कॉपी पे नहीं करना, ये बुक के ऊपर ही अपने आप कर लेना. ए रिसर्च स्कॉलर लुक्ड एट द वर्किंग पीपल इन ए सिटी, इन द सिटी ऑफ सूरत, एंड फाउंड द फॉलोइंग. इन द ऑफिसेस रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल. लेट मी सी करना क्या है. एक का उन्होंने दिया, परसेंटेज को तो हम कुछ नहीं कर सकते. इधर बताना है हमने कि ये कौन सी नेचर का काम है. अभी बताती हूँ. ओन शॉप्स, ऑफिस, जैसे ऊपर दिया ऑफिस और फैक्ट्री, वो तो रजिस्टर्ड है तो वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड. नेक्स्ट है ओन शॉप्स, ऑफिस, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेस विद फॉर्मल लाइसेंस, ये क्या आ जाएगा. ऑर्गेनाइज्ड.
फॉर्मल लाइसेंस है तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड ही बन गया. लाइसेंस का मतलब परमिशन लेके काम कर रहे हैं, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है. नेक्स्ट क्या है, पीपल वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, ये अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड, यस अनऑर्गेनाइज्ड है. उसके बाद वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप्स यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट दो ऑर्गेनाइज्ड है, लास्ट टू अनऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है. उसके बाद परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100, तो हमें 3 की परसेंटेज दी हुई है, तो लास्ट वन 100 में से माइनस करो, टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 हो गया 50, तो 100 में से 50 माइनस कर दो बच गए 50, तो लास्ट वाली परसेंटेज कॉलम में भी वैल्यू आएगी 50. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 ही होता है. अच्छा, उसके बाद है ये बाकी के सारे जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये मैं थोड़ा जल्दी बोल देती हूँ क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है एंड आई वॉन्ट टू फिनिश. बाकी मैंने आपको वो भेज ही देना है, इसका PDF तो मैंने भेज देना है सारे क्वेश्चंस का. हाँ जी, डू यू थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये मैं सीधे सीधे क्वेश्चन है, जो थोड़ा डिफरेंट है मैं वो वाला बताने लगी हूँ, बाकी तो सीधे ही है. क्वेश्चन नंबर बेटे आपका देखिए 15 एंड 16, जो थोड़ा डिफिकल्ट है आई एम टेलिंग दैट क्वेश्चन, बाकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 15 एंड 16 देखो वो दोनों सेम है, ओनली स्टेटमेंट इज डिफरेंट बट सेंस ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. तो वहाँ आप लिख लो, एक साइड पे लाइन लगा के लिख लो 15 और 16, सेम आंसर सेम ही आएगा. मैंने कॉपी पे भी ऐसे ही लिखा है, क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा हुआ है बट उसका आंसर सेम है कि बताना है हमने हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, और अगले में पूछा है प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड. तो वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही होता है. तो मतलब एक ही बात को हमें टू वेज से पूछ लिया, आंसर सेम आएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि अपने एरिया के एग्जांपल लेके बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन फिर कॉपी पे देर इज नो नीड टू राइट देम इन द नोटबुक. 18 को क्रॉस कर दीजिए. उसके बाद 19 को भी क्रॉस करिए, मतलब ये बुक के ऊपर ही आप कर सकते हो, कॉपी पे नहीं करना है. 18th 19th कॉपी पे नहीं करना है. उसके बाद 24th ये भी कॉपी पे नहीं करना है, 23rd भी कॉपी पे नहीं करना है, 22nd भी कॉपी पे नहीं करना है. ठीक है, आई रिपीट, जो ये टेबल वाले क्वेश्चन है ना ये कॉपी पे नहीं करने. 18th 19th क्रॉस करते जाओ. उसके बाद 22nd 23rd 24th ये कॉपी पे नहीं करने हैं. बाकी के क्वेश्चंस उनके आंसर्स सीधे सीधे आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 डोंट राइट आंसर टू टाइम्स, दो बार नहीं लिखना है. क्वेश्चन दोनों लिखे ना, बीच में और डाल लेना और नीचे लिख लेना सेम आंसर जो मैं भेजूंगी, मतलब उसको डिवेलप कर लेना. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक 17th जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट से. 1 मार्क में भी आना होगा तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा. 3-4 मार्क्स का, 5 का होगा तो भी कुछ ना कुछ, ये हमेशा आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट. व्हिच क्वेश्चन मैम? इम्प्लीमेंटिंग, एक मिनट बेटे, इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005. ठीक है, यहाँ पे इसी को ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नरेगा 2005. ठीक है, या राइट ए नोट ऑन दिस, मतलब कुछ भी आए नरेगा वर्ड आ जाएगा ना आपको हिंट मिल जाना है. नरेगा लिखा होगा आपको हिंट पता चल जाना, उसी को एक्सप्लेन करना है. ठीक है. उसके बाद है एक और था हमारा जो मैंने बताना था आपको. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इसको भी क्रॉस करिए. क्वेश्चन नंबर 8, मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट यू फाइंड एडल्ट्स अराउंड यू डूइंग फॉर ए लिविंग, इन व्हाट वे यू कैन क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन योर चॉइस. तो ये भी कॉपी पे नहीं करना है, ये सिर्फ ये है कि अपने आसपास देखो लोग कौन कौन से काम करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कैन वी कीप देम इन प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर. तो नो नीड टू राइट इट इन द नोटबुक. ठीक है जी, बस रेस्ट ऑफ द. और ये क्वेश्चन नंबर 5 तक जो अभी हमने ये MCQ टेबल टूबल किए हैं ये कॉपी पे नहीं करना है. ठीक है, कॉपी पे सीधे सीधे जो प्रॉपर फॉर्मल क्वेश्चन आंसर होते हैं बस वही करना है. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ये लेसन को एक बार फिर से पढ़ लेना है सारे को, और उसके बाद एक मिनट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.